हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ मूंग की दाल। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। मूंग की दाल, आप सोच रहे होंगे कि मूंग की दाल भी कोई बनाने की चीज़ है, लेकिन मैं इसे सही तरीके से बनाऊंगी और ये बहुत अच्छी बनती है। तो मैं सबसे पहले इसमें डालूंगी 4 चम्मच, मैंने इसमें तेल डाला है कढ़ाई में, और आधा छोटा चम्मच राई, आधा छोटा चम्मच जीरा, एक बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा और 2 लौंग, एक मीडियम साइज का प्याज कटा हुआ बारीक, मैं दाल को बहुत काफ़ी बार बनाती हूँ और बहुत अच्छी लगती है, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है, मैं इसको बहुत बनाती हूँ। मसाला अच्छे से भुन चुका है, मैंने लिया था यह 200 ग्राम धुली हुई मूंग की दाल, ये 20 मिनट पहले मैंने भिगो दी थी, ये अच्छे से भीग गई है, मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। घर में कोई सब्जी नहीं है और आपके घर में गेस्ट आने वाले हैं तो आप 20 मिनट पहले दाल भिगो दीजिए और इसी तरीके से बनाइए, ये बहुत अच्छी बनती है। 20 मिनट के लिए मैं इसे ढककर पकाऊंगी। 20 मिनट हो चुके हैं, देखते हैं दाल को, दाल अच्छे से बन चुकी है और अब डाल देंगे आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच कसूरी मेथी। गैस को करते बंद। करते हैं प्लेटिंग। कुछ सही तरीके से बनी है दाल। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, जीवन में प्रयास करते रहिए, लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही कीमती हैं। आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नमस्ते।